हेलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बात करना चाहता हूँ। तो मेरे को अभी कुछ दिन से यूट्यूब का जोश चढ़ा है। रोज एक वीडियो डालते रहता हूँ और शेयर करते रहता हूँ अपने फ्रेंड्स को। तो एक फ्रेंड था, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो उसने सब वीडियो देखा। उसके बाद एक प्यारा सा वॉइस नोट भेजा है, चलिए सुनते हैं। सब पे हाथ मारेगा तो कैसे होगा, एक पे फोकस कर, एक पे। तो एक बार फिर से सुनते हैं। सब पे हाथ मारेगा तो कैसे होगा, एक पे फोकस कर, एक पे। तो भाई बोल रहा है किसी एक चीज पे फोकस कर। तो मेरे को बचपन से चुल पड़ा था कि ऑलराउंडर बनने का, उस पे भी हाथ मार ले, इस पे भी हाथ मार ले। तो इस पे एक डायलॉग याद आता है मुझे, रणवीर कपूर का है, ये जवानी है ये दीवानी से। तो गौर फरमाइएगा थोड़ा। मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। बस भाई बस। मैं सब चीज पे वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि लोगों पे सस्पेंस बना रहे कि अब क्या डालेगा ये वीडियो, अब क्या डालेगा। तो वैसे भी मैं ये एज अ हॉबी इसको फ्री टाइम पे करता हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, बस कॉमन मैन हूँ। बहुत हो गई इधर उधर की बातें, चलिए अब मैं दिखाता हूँ मैं ओट्स कैसे बनाता हूँ सिंपल एंड ईजी तरीके से। तो इसमें 3 स्कूप ओट्स लेंगे हम। 1 स्कूप 30 ग्राम की होती है, तो मैं 90 ग्राम का खाऊंगा। तो आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं थोड़ा ज़्यादा खाता हूँ, मैं खाते पीते घर का हूँ। एक ओट्स का पैकेट आता है छोटा वाला, वो 30 ग्राम का होता है, तो एक पैकेट से पेट भर जाता है। तो इसको अब हम पैन में डालेंगे। उससे पहले, पैन में डालने से पहले इसको, पैन को धो लीजिए अच्छे से। अब हम पानी डालेंगे इतना कि ओट्स पूरा डूब जाए इस पानी में। तो हम लोग अब गैस ऑन करेंगे और हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक ओट्स बन रहा है तब तक कुछ ज्ञान की बातें करते हैं। कुछ हेल्थ बेनिफिट बता देता हूँ मैं ओट्स का। इसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं जो कि लंबे समय तक आपको फुल रखते हैं, और ये वेट लॉस में हेल्प करता है। इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होता है और ब्लड शुगर भी कंट्रोल करने में हेल्प होता है। और भी बहुत कुछ फायदे हैं इसके। तो ओवरऑल इट्स अ गुड मील टू स्टार्ट योर डे विद ओट्स। तो ये पकना शुरू हो चुका है, ये देखिए। 1 मिनट तक हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये अब बॉईल हो रहा है और इसको थोड़ी देर और बॉईल करते हैं, फिर इसको उतार लेंगे हम थोड़ी देर बाद। तो अब मैं ये खाने वाला हूँ।
ये बहुत ही ब्लैंड टेस्ट होता है इसका, एकदम टेस्टलेस लगता है। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, होता है। आई डोंट ईट फॉर टेस्ट, आई ईट फॉर फंक्शन। बस भाई ताली बजाना बंद करो। वैसे ये डायलॉग जे कटलर की है जो कि 4 टाइम मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, जाते जाते एक लाइन बोलना चाहता हूँ, ईट हेल्दी स्टे हेल्दी।